वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन एंड अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो दिन है जब ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा अपने लाइफ टाइम रन में, एंड कल इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। हे गाइस, मंडेज जो है यूजुअली फिल्मों के किस्मत बदल देते हैं। लोग कहते हैं कि फ्राइडे, हर फ्राइडे किस्मत बदलती है। यस, किस्मत बदलना शुरू होती है, लेकिन वो किस्मत का जो अंत है, यानी कि उसके आगे किस तरह जो किस्मत जो है जो फ्राइडे को लिखी गई है उसका अंत होने वाला है, वो यहाँ पर मंडे को डिसाइड करता है। एंड कल इस फिल्म का लिटमस पेपर टेस्ट होगा। तो कल अगर ये फिल्म जो लिटमस पेपर टेस्ट है उसमें पास हो जाती है, देन गाइस आगे इस फिल्म के सामने कोई भी रुकावट नहीं है। इट इज गोना गेट एन ओपन एंड अ फ्री रन टिल विक्रम वेदा एंड पोनियन सिल्वन 1 रिलीजेस। तो गाइस बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन, तो कल का एपिसोड मिस मत करना। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे एग्जैक्टली कि इसके कलेक्शंस जो है वो 160 करोड़ तक की जो जर्नी है वो कैसे पहुंची। तो ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, बात करूं हिंदी कलेक्शंस की, तो डे नंबर 1 32.50 करोड़ एंड डे नंबर 2 38.50, ये इसके फाइनल फिगर्स हैं जो यहां पर आए हैं। एंड गाइस, दो दिनों में हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 71 करोड़ कमाए हैं। तो यहां तक बात जो है वो समझ में आ गई। अब गाइस बात करते हैं कि एग्जैक्टली ऑल लैंग्वेजेस में इस फिल्म ने कितना कमाया। हमने देखा किस तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो शेयर अचीव होता है, जिससे फिल्म को ब्रेक इवन मिलता है, वो ऑलरेडी इसने सिर्फ और सिर्फ दो दिनों में अचीव कर दिया। धूम 3 का 9 साल के पहले का रिकॉर्ड तोड़कर, यहाँ पर दंगल का जो 20 से 25 करोड़ का लाइफ टाइम है उसको ये तोड़कर ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनने जा रही है। तमिलनाडु में ऑल टाइम हाईएस्ट यहाँ पर एनी डे बना है। बात करूंगा इस केरला बॉक्स ऑफिस की, सुबह मैंने आपको कलेक्शंस बताया कि इस तरह से ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस कर दिया है। सो डे नंबर 1 ऑल लैंग्वेजेस इज 37 करोड़ रुपीस नेट कलेक्शन, कोई ग्रॉस इंक्लूड नहीं है। डे नंबर 2 43.50, यानी के दो दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में 80.50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। एंड अब ओवरसीज कलेक्शन जो ऐड करेंगे वो ग्रॉस होगा, एंड वर्ल्ड वाइड के लिए इंडिया ग्रॉस जो होता है 80.50 करोड़ का वो है 96.70। तो यहां तक आप सभी लोगों को बात समझी, 96.70 करोड़। अब गाइस बात करते हैं यहां पर डे नंबर 1 की, यानी कि ओवरसीज कलेक्शन जो था 3.75 मिलियन, उसका इंडियन रुपीज में कन्वर्जन होता है 29.37 करोड़ रुपीज। डे नंबर 2 जो ओवरसीज कलेक्शन आया वो था 33 करोड़, यानी कि ये मिलाकर 62.37 करोड़ का ग्रॉस इस फिल्म ने ओवरसीज में कमाया। 96.70 करोड़ का ग्रॉस इसने इंडिया में कमाया, यानी कि इसने दो दिनों में 159.07 करोड़ की कमाई तो डेफिनेटली कर ली है। एंड प्रोड्यूसर्स ने यहां पर 160 करोड़ का जो पोस्टर है वो यहां पर दिया है, फेयर इनफ। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ओवरसीज में फिल्म का क्या माजरा है। बट फ्रेंड्स, बात करूं आपको, सुबह ही मैंने बता दिया था ओनली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस कैनेडा इज नॉर्थ अमेरिका, यूएसए मात्र इस फिल्म में 3 मिलियन डॉलर का जो क्लब है वो एंटर कर लिया। यस, इट गॉट एडवांटेजेस ऑफ द प्रीमियर्स, मैंने प्रीमियर्स के भी कलेक्शंस यहां पर ऐड किए हैं यहां पर इस फिल्म के, एंड यूएसए एंड कैनेडा मिला के वी आर स्टैगरिंग 3.70 मिलियन प्लस, यानी कि वो प्लस माइनस कितना होता है ये जब वीकेंड खत्म होगा तो हमारे सामने आ जाएगा। यानी लगभग इस फिल्म ने 30-31 करोड़ का बिजनेस केवल नॉर्थ अमेरिका में किया है। समझ में आया यहां तक? मिडिल ईस्ट की बात करूं, यूएई, जीसीसी, तकरीबन इस फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की है, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। मैंने आपको पहले दिन बताया कि फिल्म रिलीज हुई थी वहां पर वॉकिंग डे था वहां पर, डिस्पाइट दैट द फिल्म हैज अमास्ट 12 करोड़ प्लस। ओके, बात करूं गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ब्रिलियंट, ऑलमोस्ट 3.75-4 करोड़ का कलेक्शन किया है, लगभग 0.50 मिलियन, यानी कि आधा मिलियन आप लोग पकड़ के चलिए इस फिल्म ने वहां कमाया है। न्यूजीलैंड में 40 लाख प्लस माइनस है, कल तक फाइनल फिगर जो है इसका वहां से आ जाएगा। अब गाइस बात करूं यूके की, एंड गाइस यूके इज गोना स्प्रिंग इन अ ह्यूज सरप्राइज। वीकेंड में एस्टिमेट पकड़ के चल रहा हूं 5,50,000 पाउंड्स का, लेकिन सिर्फ दो मात्र दिनों में इस फिल्म ने 3.75 यानी कि ऑलमोस्ट 3,75,000 पाउंड्स की जो कमाई है, इसका अगर इंडियन रुपए में कन्वर्जन करें तकरीबन 4 करोड़ आप पकड़ के चलिए इस फिल्म ने वहां से कमाई कर ली है। यूरोप हैज बीन ब्रिलियंट,
यूरोप में इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 2.75 करोड़ की कमाई की है। एंड बात करूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनका वहां से जो कलेक्शन आया है वो है ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ का। यानी कि जितनी जगह है रिपोर्ट हुई है वहां तक के कलेक्शन ये है, जो अनरिपोर्टेड है वो हम जब वीकेंड खत्म होगा तब उसको ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं पूरा मिला लूं जो अनरिपोर्टेड लोकेशंस है, बहुत सारे लोकेशंस है जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, उन सबको मिला लूं, देन गाइस इस फिल्म ने मात्र दो दिनों में पूरे ओवरसीज में 62.37 करोड़ का बिजनेस किया है। ये है ब्रह्मास्त्र के अब तक के कलेक्शंस। तो यहां तक के एपिसोड समझ में आए, अब आते हैं डे नंबर 3। व्हाट अ डे नंबर 3 फॉर ब्रह्मास्त्र, एब्सोल्यूट अमेजिंग। क्या 3D, क्या 2D, क्या IMAX, क्या तेलुगु, क्या तमिल, ब्रह्मास्त्र वेंट ओवर ड्राइव टुडे। बात करते हैं गाइस इसके, हम लोग 3D वर्जन से शुरुआत करते हैं। हिंदी 3D मॉर्निंग शो 45%, आफ्टरनून यहाँ पे 67%। अब सभी लोगों को पता है संडे के बाद अगला दिन जो रहता है मंडे रहता है, रात को संडे की ऑक्यूपेंसीज जो है वो बहुत नीचे गिरती है, लेकिन डिस्पाइट दैट द इवनिंग एंड नाइट शोज आर ट्रेंडिंग इन 75% प्लस ऑक्यूपेंसी। बात करो मुंबई की, मुंबई में 824 शोज है। देखते हैं कल इसके कितने शोज कम होते हैं। बड़ी से बड़ी फिल्म जो हो उसके शोज संडे से लेकर मंडे कम होते हैं, 824 शोज में रात की ऑक्यूपेंसी 80% की है। आप समझ रहे हो हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट संडेज। यानी कि फॉर एनी गिवन हिंदी फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट संडेज। लेट्स सी कल ये टोटल वो अचीव करता है या नहीं अचीव करता, प्रेडिक्शन में आपको सारा का सारा नेट में दूंगा। बात करो दिल्ली NCR की, 720 शोज में 90% ऑक्यूपेंसी तो काफी अच्छा है। बात करो पुणे की तो 330 शोज में पुणे में 78% ऑक्यूपेंसी थी। हैदराबाद की बात करूं तो 77, कोलकाता 78, लुक एट अहमदाबाद 134 शोज में 88, एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट ट्रेंडिंग। चेन्नई ऑलमोस्ट गाइज 85 में 75 शोज हाउसफुल थे गाइज यहाँ पर। बात करू सूरत की, सूरत में 128 शोज में 84, एंड बात करें चंडीगढ़ की 90 में 89% ऑक्यूपेंसी थी। भोपाल में 57 में 85% ऑक्यूपेंसी। यानी कि आज 3D वर्जन ही सिंगल हैंडेडली काफी था। सभी लोगों को पता है 5000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई है, ओवरसीज ऑलमोस्ट 3000 प्लस, यानी कि पूरा 9000 स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हुई है। यानी कि द मिनिमम एवरेज ऑल्सो विल फेच सच क्रेजी नंबर्स जो इस वर्ल्ड वाइड में अचीव हो रहा है। एंड 2D वर्जन रात के शोज 60% की ऑक्यूपेंसी पे थे। मुंबई की बात करूँ 528 3D शोज में रात की ऑक्यूपेंसी 60% की थी। यानी कि आज लोग इसको 2D वर्जन में भी, सॉरी 2D वर्जन में भी यहाँ पर देखने के लिए आ रहे थे। दिल्ली NCR 682 शोज में 65% ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट। पुणे 53%, बेंगलुरु 62, हैदराबाद 49, कोलकाता 55, अहमदाबाद 70 एंड सूरत 65। द 3D 2D वर्जन द ब्रिलियंट। इसलिए गाइस ब्रेस योरसेल्फ्स, माय प्रेडिक्शन फॉर ब्रह्मास्त्र हिंदी, केवल मात्र हिंदी नेट कलेक्शन ऑन तीसरा दिन इज 42 करोड़ रुपीज। इट इज गोना बी हिस्टोरिक आफ्टर द बिग एक्टर्स। कल हम बात करें, कल का एपिसोड बहुत अच्छा एंड बहुत बड़ा होने वाला है। वी गोना डिस्कस एक्टर्स हु हैव गिवन कंसेक्यूटिव 30 करोड़ रुपीज ऑन एनी गिवन डे। रणबीर कपूर का नाम आ गया है, डे 1 32.50 हिंदी में, डे 2 38.50 एंड कल ये फिल्म 42 प्लस करोड़ सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन में नेट कलेक्शन कमाने वाली है। एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। भैया IMAX बताओ भाई, IMAX बताओ, IMAX वाज सोल्ड आउट फॉर द डे। दिस वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 2:30 बजे सुबह से शोज शुरू हुए थे। मुंबई की बात करूँ 32 शोज में 31 शोज हाउसफुल थे। दिल्ली NCR 22 में 21 हाउसफुल थे। बात करूँ बेंगलुरु की 29 में 26 हाउसफुल थे। बात करूँ कोलकाता 5 में 5 हाउसफुल, चेन्नई में 9 हाउसफुल एंड लखनऊ 5 में यहाँ पे 4 शोज हाउसफुल थे। लास्ट वाला शो फास्ट फिलिंग चल रहा है, ब्रिलियंट। लुक एट तेलुगु 3D, रात को 50% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। बात करूँ हैदराबाद की 85 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी। बात करूँ विजयवाड़ा की 62, गुंटूर जिला लो मैडनेस, 10 शो में 8 हाउसफुल थे गुंटूर जिला में। बात करूँ वाइजैक की 34 शोज में 78% की ऑक्यूपेंसी थी। बात करूँ गाइस यहाँ पर काकीनाडा 5 में 5 शोज फुल थे। ब्रो दीज आर सीरियस नंबर्स फॉर द 2D ऑक्यूपेंसी ऑफ तेलुगु। एंड बात करें अभी तेलुगु 3D की, तेलुगु 3D में हैदराबाद 64 शोज 78% ऑक्यूपेंसी, नाइट शोज 84%। कल ये तेलुगु वर्जन में अविश्वसनीय कलेक्शन करेगा, इसलिए मैंने साउथ का जो प्रेडिक्शन है यहाँ पर 4.5 से 5 करोड़ रुपए का रखा है। अनफॉर्चुनेटली हम जो चाहते थे नेट में इसका 50 करोड़, वो ये नहीं जा पाएगा। लेकिन गाइस लुक एट द ऑक्यूपेंसी, विजयवाड़ा 82%, वरंगल 95, गुंटूर 7 में 7 3D शोज हाउसफुल, वाइजैग में 27 में 25 शोज हाउसफुल। बात करूँ काकीनाडा में 12 में 11 शोज हाउसफुल, राजमुंद्री में 22 में 65% की ऑक्यूपेंसी, तिरुपति 16 में 16 हाउसफुल। ब्रिलियंट ब्रह्मास्त्र, यू ब्यूटी मैन, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। साउथ में स्पेशली तेलुगु वर्जन में इस
फिल्म को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू नागार्जुन एंड द गुडविल ऑफ SS राजमौली एंड द अमेजिंग कंटेंट, द VFX एंड CGI ऑफ ब्रह्मास्त्र, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सारे भाषाओं में 46 से 47 करोड़ का नेट कलेक्शन कमाएगी, ओके? जिसका मैं ग्रॉस पकड़ू यहाँ पर तो 56 प्लस करोड़ होगा, एंड गाइज ये ओवरसीज कहीं ना कहीं 25 से 26 करोड़ कमाएगी, क्योंकि गाइज ओवरसीज से कलेक्शंस जब तक आ नहीं जाते तब तक नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं एक बहुत ही लोअर अमाउंट पकड़ रहा हूँ, 25-26 पकड़ लो, यानी कि 80 करोड़ फिल्म जाएगी एंड तीन दिनों में 240 प्लस करोड़ कलेक्शन करेगी। ब्रह्मास्त्र यू ब्यूटी, व्हाट अ वीकेंड मैन, दिस इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बैक बॉलीवुड बैक ऑन ट्रैक, अमेजिंग। अब बस सब खेल मंडे का है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे अगर ये सस्टेन करती है एंड वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 300 करोड़ के ऊपर जाने की पूर्ण तरीके से कोशिश करती है, देन गाइज नेक्स्ट वीकेंड विल बी अ मनी स्पिनर फॉर दिस फिल्म, लेट्स सी गाइज, ये सब डिपेंड करता है कल मंडे ऑडियंस पे, तो कल सुबह का एडवांस बुकिंग एपिसोड मिस मत करना। आई होप गाइज एपिसोड आप सभी लोगों को समझ और पसंद आ रहा होगा, कृपया अगर लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा एपिसोड आपको कितना समझ रहा है। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।